coming, guys. This is Zohaib Bukhari. I'm a certified fitness trainer. और आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वेट लॉस. वेट लॉस के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंडेड हैं, आप कौन कौन सा वर्कआउट कर सकते हो और कैसे अपना वेट लॉस जर्नी को पूरा कर सकते हो, अपने टारगेट बॉडी वेट तक कैसे पहुँचोगे. तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी चीज़ ऐड करूँ कि वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट. डाइट का आपने ख्याल रखना प्लस एक्सरसाइज. अगर आप खाली डाइट कर रहे हो तो शायद अपना वेट लॉस कर लो, लेकिन खाली एक्सरसाइज करने जैसे एक्सरसाइज करने से अपना वेट लॉस नहीं कर सकते. तो मैं आपको एक्सरसाइज का तो बताऊँगा, लेकिन कोशिश करें अपनी डाइट पर ही फोकस करने साथ साथ, बिकॉज 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में हम कोशिश करें कि जब भी वेट लॉस की तरफ जाएँ कोशिश करें मल्टी मसल्स को ट्रेन करें. मल्टी मसल्स का मतलब है कि एक्सरसाइज का मतलब है कि ऐसे एक्सरसाइज जिसमें एक से ज़्यादा मसल एट द सेम टाइम एक ही वक्त में आप यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जांपल कि ऐसे एक्सरसाइज में आते हैं स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, स्किपिंग आप कर सकते हो, स्किपिंग रोप कर सकते हो, बर्पीज कर सकते हो, घर रह के आप लेग रेज वगैरह कर सकते हो, और ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हो. अब आपने करना क्या है कि अगर आप बिगनर हो, न्यू हो, तो आपने कैसे इसको लेके चलना है. एकदम से ही आपने इंटेंसिटी नहीं बढ़ा देनी. शुरू में आप वीक में 3 डेज़ करें, कोशिश करें वार्म अप स्टार्ट में प्रॉपरली करें. हर एक्सरसाइज से पहले वार्म अप वगैरह जब भी वर्कआउट करें उससे पहले वार्म अप करें अपना, कोशिश करें 5 to 10 मिनट्स का वार्म अप करें. बिकॉज वार्म अप नहीं आपने एक्सरसाइज की टोन सेट करनी होती है. अगर वार्म अप आप अच्छा करोगे तो इंडियन क्या होगा कि आपको बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगे, और इसके अलावा इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे. तो एक्सरसाइज जब भी आप स्टार्ट करो उसको उसके 5 to 10 मिनट्स वार्म अप करें. उसके बाद कुछ करें लाइट एक्सरसाइज करें. लाइट एक्सरसाइज में कौन से आ गए, पुशअप्स आ गए. आप नीज के ऊपर पुशअप स्टार्ट कर सकते हो. फिर जब वार्म अप वगैरह कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करें कि आप स्टार्ट करें विद स्क्वाट्स. स्क्वाट्स का आलमोस्ट हर एक को पता है कि कैसे करते हैं, उसकी क्या पोजिशन है. स्क्वाट्स स्टार्ट करें, बड़े मसल्स को कोशिश करें ट्रेन करें, स्क्वाट्स करें. उसके कोशिश करें, अगर आपका फर्स्ट डे है तो 10 स्क्वाट्स इनफ होंगे आपके लिए. 10 स्क्वाट्स करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज करें लंजेस की भी 10 रैप्स करें, नेक्स्ट पुशअप्स करें, फिर क्रंचेस कर लें 20 to 30 क्रंचेस करें. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लैंक कर सकते हैं. अगर आपका फर्स्ट डे अगेन तो आप 20 to 30 रैप्स स्टार्ट करें 20 to 30 सेकेंड से. तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली एक्सरसाइज को बढ़ाएं, एब्डोमिनल की एक्सरसाइज ऐड करें. स्टार्ट में कोशिश करें 3 डेज़ अ वीक करें और लाइट वर्कआउट से स्टार्ट करें. लेकिन आस्ते आस्ते जैसे आपकी बॉडी यूज होती जाएगी आपने इंटेंसिटी और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना है. फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे कि आपने नंबर ऑफ़ डेज एक्सरसाइज का बढ़ाते जाएंगे और एक्सरसाइज के रैप्स बढ़ाते जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप 2 वीक्स से लगातार एक्सरसाइज करो तो कोशिश करो कि 3 डेज के बजाय 4 वीक्स कोशिश करें 4 डेज़ पे आ जाएँ, 5 डेज़ पे आ जाएँ. और अगेन वार्म अप अगेन 10 मिनट्स का एटलीस्ट करें. और उसके बाद जहाँ पे पहले आप 10 स्क्वाट्स कर सकते कोशिश करें कि 30 स्क्वाट्स तक जाएं. फिर स्क्वाट्स में भी आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो. कैसे कि पहले सिंपल स्क्वाट्स कर रहे हो फिर विद वेट्स के साथ आप स्क्वाट्स पे चले जाओ. अपने आप को चैलेंज करते जाना है. एक्सरसाइज का मतलब वो चीज़ जो आपको चैलेंज कर रही है. ऐसी एक्सरसाइज जो आपको चैलेंज नहीं कर रही वो एक्सरसाइज नहीं है. जो आपको वो कहते हैं अक्सर कि अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद भी उतने क्यूट नज़र आ रहे हो एक्सरसाइज से पहले, तो उसका मतलब आपने एक्सरसाइज नहीं की. तो कोशिश करें एग्जर्ट करें खुद को, लेकिन ओवर एग्जर्ट ना करें. अपने कैलोरी एक्सपेंडिचर का ख्याल रखें, कैलोरीज काउंट का ख्याल रखें जो इनटेक कर रहे हैं, और एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाएं. अगर आपको नीज का मसला है तो कोशिश करें स्क्वाट्स और जंपिंग्स वगैरह को जो अवॉइड करें. बेहतर ये है कि आप जिम ज्वाइन करें, किसी ट्रेनर के अंडर काम करें, ट्रेनर आपका टारगेट अचीव करवाए. लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते या कोई मजबूरी है, जैसे मोस्टली 90% हमारी लेडीज़ जो पाकिस्तान में जिम ज्वाइन नहीं कर पाती किसी भी रीज़न की वजह से, तो कोशिश करें डॉक्टर से कंसल्ट के बाद एक्सरसाइज करें. बिकॉज मोस्टली लेडीज़ को जो नीज़ और बैक का प्रॉब्लम होता है उसमें आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उनका ख्याल रखें. अगर किसी को नीज़ और बैक का मसला, कोशिश करें कि जंपिंग जैक्स को अवॉइड करें, रनिंग को अवॉइड करें, स्क्वाट्स को अवॉइड करें, पार्शियल रैप्स करें, स्क्वाट्स के रीहैप करें. जब भी आपने वेट लॉस करना है, मोस्टली जो लोग हैं जिनको वेट लॉस करना होता है उनको इंजरीज भी साथ होती हैं. वो इंजरीज इसकी वजह से होती हैं, ओवरवेट की वजह से 90%. तो आपने यह करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपकी इंजरी रिहैब होना चाहिए. सबसे पहले आप किसी ट्रेनर के पास जाएँ या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे उसको रिहैब करना है, उसको रिहैब की तरफ जाएँ. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप वेट रिडक्शन की तरफ जाएँ. मोस्टली क्या होता है कि जब हम किसी को वेट रिडक्शन का कहते हैं या वेट रिडक्शन के लिए हमारे पास कोई आता है, फैट रिडक्शन के लिए कोई आता है, तो उसका टारगेट होता है कि हमें फर्स्ट डे से ही ऐसी एक्सरसाइज करवा दें कि हमारा वेट कम हो जाए. लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रेनर का काम ये है कि सबसे पहले आपके इंजरीज को ठीक करें, उसके बाद वेट रिडक्शन की तरफ जाए. जब आप जितनी जल्दी अपने आप को रिकवर करोगे आप उतना ही बेहतर वेट रिडक्शन की तरफ जाओगे.
और इसमें बेसिक अगेन दोबारा उस पर आऊँगा कि अपनी फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखें, अपने इंटेंसिटी का ख्याल रखें, ओवरलोड ना करें। टारगेट अचीव करने के दो तरीके हैं, एक स्ट्रेट और एक ज़िगज़ैग। अक्सर लोग हमारे पास आए कहते हैं कि यार मैंने 30 मिनट्स एक्सरसाइज किया और मुझे स्वेट नहीं हुआ, तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि यार स्वेटिंग तो धूप में खड़ा करने के भी आपको हो जाएगी। तो बेसिक है अगर आप खुशी खुशी एक्सरसाइज के अपना टारगेट अचीव करें वो बेहतर है, या फिर आपने अपना बुरा हाल करके करना है। तो कोशिश करें टू दी पॉइंट एक्सरसाइज करें, ना कि आप इधर उधर की एक्सरसाइज करें, जो टारगेट है उस पर जाएँ। टारगेट से मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, टारगेट बॉडी फैट नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल अगर घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो या ट्रेनर नहीं आपके पास तो खाली एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ से वेट जाएगा। जब भी एक्सरसाइज करोगे ओवरऑल बॉडी से वेट जाएगा। कोशिश करें, फोकस करें कि ओवरऑल बॉडी को ट्रेंड करें, ये नहीं कि अगर यार मेरा खाली हिप्स पे वेट है या लेग्स पे वेट है तो लेग्स की या हिप्स की एक्सरसाइज करते रहोगे। बॉडी को रिकवरी का टाइम चाहिए और उस रिकवरी के टाइम में आपने दूसरे मसल को ट्रेंड करना है। वैसे भी अगर आप खाली एक मसल को ट्रेंड करते जाओगे तो इन दी एंड क्या होगा कि बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी। बॉडी को बैलेंस करना भी साथ जरूरी है वेट लॉस के प्रोसीजर में। इन दी एंड मोस्टली लोगों को क्या होता है कि जब वेट लॉस करते हैं तो बॉडी इम्बैलेंस होती है, वो इसीलिए बिकॉज एक ही मसल को टारगेट किया जाता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को सबको फॉलो करें, अपनी इंटेंसिटी, अपनी ड्यूरेशन जो है फ्रीक्वेंसी पे फोकस करें, अपनी बॉडी टाइप को लेके चलें। ये नहीं कि यार मेरे किसी फ्रेंड ने 10 महीने में कर लिया या 5 महीने में कर लिया तो मैंने 6 महीने में करना है या मैंने 4 महीने में करना है। हर बंदे का बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर बंदे की टारगेट डिफरेंट है, हर बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट है, तो आप किसी को एक से कंपेयर नहीं कर सकते। और कोशिश करें सेफ़ जोन में रह कर एक्सरसाइज करें, आप अपने बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज करें, कोशिश करें अपने आप को इंजर्ड ना करें। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सबने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू।